सो अब हम गर्म हिल पॉइंट के लिए निकल चुके हैं और ये है मॉल रोड। मॉल रोड पे इस वक्त आप अगर वेदर देखोगे तो बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, आप बादलों के बीच से जा रहे हो और जो ठंडी ठंडी हवा लग रही है इस अमेजिंग, मतलब फीलिंग जो इसकी आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है। हालांकि इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको दूर दूर के व्यूज़ नहीं मिलते हैं, बट जो फॉग और बादलों के बीच में रहने का मज़ा ना अमेजिंग। ये अब हम केबल राइड पर जाने वाले हैं। यस बहुत फॉग हो रहा है, देखते हैं व्यू क्लियर तो नहीं मिलेगा। इस सामने जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये है कनहिल पॉइंट पर जाने वाली केबल कार का पिकअप पॉइंट। ये है एंट्री गेट, बट इसके लिए आपको लेना होगा टिकट, तो चलिए टिकट लेते हैं। मैंने टिकट ले लिया है और टिकट लेने के बाद ये रही एक लाइन जो लगी हुई है इस एंट्री पॉइंट पर जाने के लिए। बाय 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 बाय। सिटी देखो कितना नीचे है, ऊ हम ऊपर जा रहे फॉग होने की वजह से कुछ ज़्यादा दूर का व्यू तो नहीं मिल रहा है, बट फिर भी ये मॉल रोड के ऊपर का व्यू आप देख सकते हो। हर एक केबल कार में लगभग 10 लोगों के बैठने की जगह होती है, तो अगर आप एक ग्रुप फैमिली में जा रहे हो तो शायद आपको एक प्राइवेट केबल कार मिल जाए, अदरवाइज आप मोस्टली किसी न किसी स्ट्रेंजर के साथ ही होंगे। सो अब हम पहुंच गए टॉप पर, बाहर निकलते सबसे पहले दिखता है टेलीस्कोप पॉइंट। व्हाट इज दिस टेलीस्कोप पॉइंट? एक्चुअली यहाँ पे टेलीस्कोप लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप आसपास की लगभग 10 बड़ी बड़ी चोटियाँ और बड़ी बड़ी लोकेशन देख सकते हैं। गनहिल पॉइंट इतनी हाइट पे है कि मौसम क्लियर होने पर यहाँ से आपको ये जो लोकेशन यहाँ पे मसूरी दिखती है, पूरे होटल्स एंड ऑल जो लोकेशन है सब यहाँ से दिखती है, बट मौसम साफ नहीं होने की वजह से आप कुछ देख नहीं सकते। ये है पॉइंट जहाँ से आपका केबल राइड ऊपर आता है और ये है उस केबल राइड पर जाने का रास्ता जहाँ हम बाद में जाएंगे। टेलीस्कोप पॉइंट पे आपको मिल जाता है एक छोटा रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको खाने के लिए मिल जाएगी मैगी, चाय, कॉफ़ी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, जो भी आपका चाहो वो वहाँ पे मोस्टली अवेलेबल है। और ये है हमारे उस्ताद जो कि इसके ओनर भी हैं और खुद ही सब कुछ बनाते हैं। हमने फिलहाल दिया है मैगी एंड चाय का ऑर्डर। नहीं दोस्त, खाली खाली हम। सो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के बाद अब हम आपको ले चलते हैं मेन गनहिल पॉइंट पे। हालांकि रास्ता तो यहाँ का पूरा बंद है, बट ये जगह अभी हॉन्टेड से दिखने लगी है, फॉग में तो और भी मज़ेदार लग रही है। सब तो सब वांटेड लग रहा है, इस तरह से फॉग हो रहा है, सब वांटेड कुछ भी। ये है केबल कार का एग्जिट डोर, यहाँ से निकलते ही आपको मिलेगा एक फ्लैट सरफेस जहाँ पे आपको आपके 360 डिग्री व्यू में केवल और केवल शॉप्स मिलेंगे। उन शॉप्स में भी आपको मिलती है मैक्सिमम गेम्स की शॉप्स, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है, आप जो चाहें वो यहाँ पर ऑर्डर करके खा भी सकते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो अपना गेम यहाँ पे खेल सकते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं, एक व्यू देखते हैं ये रास्ता किधर ले जाता है। चलिए चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे आप जादू भी सीख सकते हैं। ये शॉप फिलहाल बंद है वरना मैं जरूर ट्राई करता। लकी सिक्स गेम भी है, खाली जाने पे पैसे वापस, शूटिंग पॉइंट भी है, महाराजा स्टूडियो भी है जहाँ पे आप कपड़े पहन के, जो पहाड़ वाले कपड़े होते हैं वो पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। लकी सिक्स गेम है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब खेलने के लिए मोस्टली यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, बड़ों के खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए इस रास्ते पे चलते हैं और देखते हैं कि बैक साइड पे जो रेस्टोरेंट है उससे क्या व्यू मिलता है। लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है, तो लेट्स सी। ओके, सो ये है वो रेस्टोरेंट जिसको टॉप कॉर्नर पे है, और यहाँ से अभी तो फिलहाल नहीं, बट आई थिंक वेदर क्लियर होने पे यहाँ पे व्यू अच्छा मिलता होगा। आप यहाँ पे चाय नाश्ता करते हुए दूर दूर के अच्छे सुंदर व्यू ले सकते हैं। ओके, चलो लेट्स गो बैक टू द प्लेस एंड चेक करते हैं कि और शॉप्स कौन सी हैं। ओके, तो ये है प्रिंस स्टूडियो। प्रिंस स्टूडियो में गन शॉप, आई थिंक ये ऊपर बोर्ड किसी और का है, नीचे शॉप किसी और की है। एनीवेज, फिश मसाज भी अवेलेबल है, ब्रिज मोहन की शॉप्स भी अवेलेबल है, और ये हम वापस आ गए हैं केबल कार के पास। चलिए फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। सब मेरे ऊपर ही। सो यू आर लाइव। चलो जी थोड़ी सी आजादी मिली है सोसी मैडम से, थोड़ा सा घूम। ये है गन हिल पॉइंट मसूरी का, काफी ऊपर है, काफी हाइट पे, आई थिंक 7000 समथिंग फीट पे है। लोग मोस्टली गेम ही खेल रहे हैं यहाँ पे, और मैगी का मजा ले रहे हैं क्योंकि ठंडक में मैगी खाने का मजा अलग। ये हेलो हेलो, मस्त मौसम है, मज़ेदार जगह है। सामने जो हवा वैसे चल रही है वो फुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधी हवा पे को तो पता है छोटा मामा मजे ले रही थी। सीधी हवा रही है, हवा है, बहुत हवा है, बहुत हवा है। तो गन हिल पे लगभग 3-4 घंटे बिताने के बाद वी डिसाइडेड टू गो बैक। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे मॉल रोड की ओर। हमारी ट्रॉली आ गई है, चलिए लोग उतरते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। लेट्स गो। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर से नीचे की साइड। नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचने में हमें लगेंगे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। अगर यहाँ आप गर्मियों के सीज़न में आएंगे तो जो बैकग्राउंड पे आपको ग्रास दिख रही है उस ग्रास में आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, तो जो व्यू उस समय होता है वो अभी के व्यू से मच मच बेटर होता है। फॉग होने की वजह से हमें व्यू तो नहीं मिल सका, बट जो ठंडी ठंडी हवा और बादलों के बीच में घूमने का मज़ा है ना, वो तो अलग ही है। होटल के ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। होटल तो ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। नहीं गीला है, मतलब हो चुकी है। ये है मॉल रोड शॉप्स। तो गन हिल पॉइंट डन, नाउ वी आर गोइंग टू होटल। हम रिक्शे भी ले सकते हैं, बट इस ठंडे ठंडे मौसम में वॉक करने का मजा अलग है। और वैसे भी लाइब्रेरी चौक कुछ खास दूर नहीं थी होटल से, ये पॉइंट हमारे लिए मुश्किल से 500 या 600 मीटर ही था। सो वी प्रेफर्ड कि चलो हम वॉक करके जाएंगे, और मौसम तो आप देख ही रहो, इट्स ऑल फॉगी फॉगी एंड फॉगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर करिए।